हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधिका ब्लॉग्स। तो हम गए थे दादा महाराज मंदिर, जो कि नरसिंहपुर का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आता है। हम गए थे जबलपुर से नरसिंहपुर वाया ट्रेन। ट्रेन का किराया जो हमारा लगा था 80 रुपये प्रति व्यक्ति लगा था, सिर्फ जाने का नरसिंहपुर तक का। और वहाँ से स्टेशन से जो है नरसिंहपुर के दादा महाराज मंदिर का किराया 10 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है। 10 रुपये जो है यहाँ का किराया ऑटो से भी लगता है, अगर आप शेयरिंग ऑटो में बैठते हैं तो। अगर आप पर्सनल ऑटो से जाते हैं तो उसका किराया 100 से 150 रुपये के बीच में आता है। और शनिवार को यहाँ पे स्पेशल मेला लगता है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त 5 शनिवार को आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, और कुछ श्रद्धालु वेद चढ़ाते हैं यहाँ पे प्रभु को इच्छा पूरी होने पे, मनोकामनाएं पूरी होने पे। और कुछ जो श्रद्धालु हैं नॉनवेज भी चढ़ाते हैं, यानी दादा महाराज जी को नॉनवेज भी चढ़ता है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक सिद्धि प्राप्त मंदिर है। श्रद्धालु तरह तरह से यहाँ पे पहुँचते हैं और बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। जिस भी माध्यम से उनको आना होता है श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे आने का, अंदर मंदिर में आने का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे निःशुल्क जूता स्टैंड भी उपलब्ध है और भंडारे भी होते रहते हैं। शनिवार के दिन यहाँ पे स्पेशल मेला लगाया जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में ये मंदिर एक बहुत ही छोटी मढ़िया के रूप में विकसित था। अब ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा विशाल रूप ले चुका है मंदिर, और इसकी पहुंच भी बहुत सारे श्रद्धालुओं तक हो चुकी है। हम भी गए थे यहाँ पे मंदिर में प्रभु के दर्शन को। दादा महाराज माना जाता है कि ये भोलेनाथ का ही अंश है, और इनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। दादा महाराज मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमय घटना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। माना जाता है कि यहाँ पे जब नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा था, तब दादा महाराज मंदिर को हटाने की बात कही गई थी। नगर निगम प्रशासन के द्वारा बहुत कोशिशें की गई, बड़ी बड़ी JCB मशीनें लाई गई, लेकिन मशीनें दादा महाराज मंदिर का बाल भी बाका नहीं कर पाई। और जितने भी सरकार ने प्रयास किए, सारे प्रयासों को छोड़कर सरकार को जो ब्रिज है वो उसको दादा महाराज मंदिर के बाजू से ही बनाना पड़ा। दादा महाराज की कृपा से ये मंदिर आज भी ज्यों का त्यों वहीं उसी स्थान पर स्थित है। दूल्हा देव की ये मूर्ति काफ़ी छोटी है, और भगवान पगड़ी धारण किए हुए साक्षात दूल्हा यहाँ पर उपस्थित है। हमने बहुत ही अच्छे से प्रभु के दर्शन किए। काफ़ी भीड़ थी, फिर भी इस मंदिर में किसी भी प्रकार की हमें असुविधा नहीं हुई। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। बारी बारी से दर्शन करते हुए श्रद्धालु करते जाते हैं, और हमें इस मंदिर की आरती भी मिल गई थी, क्योंकि हम शाम के टाइम पहुँचे थे। तो शाम को यहाँ पर प्रभु की आरती हो रही थी यहाँ की। और यहाँ पे प्रसाद के रूप में हमें मिली मूंगफली और मिश्री का प्रसाद मिलता है यहाँ पे। तो आप भी जब भी चाहें जहाँ दादा महाराज के दर्शन को जा सकते हैं। जाने और आने में जबलपुर से जो है बहुत ही कम समय लगता है। किसी भी प्रकार की पैसेंजर गाड़ी यहाँ से ले सकते हैं आप, और दादा महाराज के दर्शन को जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।